हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स एस 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 जेल जी के क्वेश्चन आज ऑन टेंथ ऑगस्ट सो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है डेली अपन एंड ऑफ द डे में जो आपके एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं उसमें कंप्लीट जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं तीनों शिफ्ट के वो मैं आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ तो इस वीडियो के अंदर दस तारीख को यानी कि जो आज जितने भी आपके जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी अपन इसके पे, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो so फ्रेंड्स आप सभी का जो इंतजार था वो कैप ट्वेंटी का प्राइम मेंबर बनने का वो सोलह तारीख को खत्म होने वाला है क्योंकि सोलह तारीख को ग्यारह बजे सुबह यानी कि वे कैप ट्वेंटी और इन सभी रुपए न्यूज़पेपर की कॉस्ट है उससे कम में आप इली मेंबरशिप करके लेके वो कैप ट्वेंटी फोर के प्राइम मेंबर बन सकते हैं और जो अर्ली फिफ्टी थाउजेंड यूजर्स होंगे उन्हीं को ये मेंबरशिप का ऑफर मिलेगा तो जल्दी सोलह तारीख को रेडी रहिएगा आप प्राइम मेंबर बन सकते हैं उस दिन सो फ्रेंड्स इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो देखते हैं आज दस तारीख को कौन कौन से जीके क्वेश्चन पूछे गए पहला पूछा गया नेशनल इमरजेंसी को लेकर जो कि अपन कई बार अपनी जीकि जीके डेली क्लास के अंदर पॉलिटी के अंदर कवर अप कर चुके हैं आर्टिकल तीन सौ बावन तीन सौ छप्पन और तीन सौ साठ तीनों अपन ने कवरअप कवर कर रहे हैं यहाँ तक कि इनफैक्ट कल भी जो अपन ने पॉलिटी के क्वेश्चन किए थे उसके अंदर भी मैंने आपको मैंशन किया था कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से दो पूछे गए हैं आज के दिन पर नेशनल इमरजेंसी तीन उसके बाद में रेखा की रेखा जी की जो बुक है बायोग्राफी है किसके द्वारा लिखी गई थी यासिर उस्मान जी के द्वारा ये लिखी गई थी उसके बाद पूछा गया जो फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू के फादर कौन है तो यह टिम ली ओके okay, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था टिम ली हाउ मेनी बाइट्स कंसिस्ट ऑफ एन आईपी एड्रेस एक आईपी एड्रेस के अंदर कितनी बाइट्स कंसिस्ट होती है तो इसके अंदर होती है बत्तीस बाइट फिर पूछा गया विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय द सन रेज सन रेज जो सन की रेज होती है उससे कौन सा विटामिन आपको मिलता है तो सिंपल सा सवाल था विटामिन डी ओके okay, और विटामिन डी क्या काम करेगा कैल्शियम को बॉडी में ऑब्जर्व करने का भी काम करेगा ठीक है इसीलिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है वट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या कहते, है उसे? तो उसे कहते हैं उसे तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के अंदर दो चीजें आपको और भी ध्यान रखनी आने वाले पेपर में पूछ सकते हैं ठीक है जब भी एडिशन होगा ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा हाइड्रोजन का किसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर और सेम होगा वाइस वर्षा रिडक्शन के अंदर ठीक है

अनपढ़ राजा किसको कहा जाता है जो कि एक इलिटरेट थे तो ये अकबर थे सभी को पता है कि अकबर को सिर्फ और सिर्फ कुरान ही पढ़ने आती थी और कुछ उनको पढ़ना नहीं आता था साथ में एक मराठा स्टेट के बारे में पूछा गया और एक श्री साइब पंडित जो कि एक बैडमिंटन के सेंसेशन बन चुके हैं कुछ टाइम पहले उन्होंने बैडमिंटन के जो चाइना के दिग्गज प्लेयर है उनको हराया था थाईलैंड के प्लेयर को हराया था इसीलिए इनका नाम इस बार पूछा गया और ये बैडमिंटन से रिलेटेड है जनवरी 2017 के अंदर टीपीपी एग्जिस्ट कंट्री कहां से एग्जिस्ट हुआ टीपीपी का तो ये कौन सा है यूएसए साथ में शिश्य का मीनिंग भी पूछा गया शिशौरी क्या है आर्टिकल 32 के अंदर है जो रिट लगाते हैं उसमें पांच मेंशन है कल भी मैंने आपको पांचों मेंशन की थी वापस से मैं आपको पांचों बता रहा हूं हर्बस कॉर्पस है प्रोहिबिशन है और शिश्योरी है उसके बाद में मैंडामस है ठीक है तो ये सब पांच थे और उसमें से एक पूछा गया जो कि हमेशा की पूछे जाते हैं तो इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी कॉल तो मास वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं ये बोलते हैं मोमेंटम उसके बाद में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पूछा गया कई बार मैं जीके क्लास में आपको बता चुका हूं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से जो गैस निकलती निकली थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये एम आई सी कहते हैं उसके बाद में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया फिर माधुरी दीक्षित कौन से डांस से रिलेटेड है ये पूछा गया जिसका आंसर है कथक ठीक है कथक कहाँ का नॉर्थ इंडिया का डांस है ठीक है नॉर्थ इंडिया और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कथक कली कथक भरतनाट्यम कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये सब क्लासिकल डांस है इंडिया के उसके बाद में मिनिमम एज पूछे गई गवर्नर की जो कि 35 साल है ओके बहुत ही आसान सा सवाल था कई बार अपन ने कवर अप किया है और पूछे गया एल्यूमिनियम का ये अपन ने जोग्रफी में आ, में कवर अप कर चुके हैं जो कि क्रायोलाइट है और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी गई कौन से पार्ट के अंदर है जो कि पार्ट फोर्थ ए के अंदर है ओके और उसके बाद में माई स्टोरी इज रिटन बाय विच फेमस क्रिकेटर तो माई स्टोरी जो किताब है ये माइकल क्लार्क जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे उनके द्वारा लिखी गई थी एसिड रेन के अंदर क्या होता है विच कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग तो इसके अंदर क्या था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के कंपोनेंट्स एसिड रेन के अंदर इंक्लूड होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है एसओ और एनओ ओके एसओ और एनओ दोनों मिला के एसिड रेन बनती है और उसके बाद में एक प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा गया तो इसके अंदर जो आंसर था वो थायरोक्सिन था एक्चुअली ठीक है थायरोक्सिन प्लांट हार्मोन नहीं है फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पीस नोबेल प्राइज 2017 का पूछा गया जो कि कौन है सेंटोज ओके okay. और हु हुउेंड सिक्स ओपन मैं ट्रॉफी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तीन सौ क्वेश्चन वहां पर मैंने आपको बताया था कि यूएस ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन ओके दो हजार सोलह के सभी इंपॉर्टेंट है तो उसी में से सवाल पूछा गया वहामरिका थी वहां थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता है मैं फाइनल चैंपियनशिप यूएस ओपन की उसके बाद में ब्लड ग्रुप जो कि एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है जो कि है सभी को पता है ऑफ 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 इंडिया के बारे में पूछा गया इज अ मेंबर हाउस हाउस तो वो किसके होते हैं द पीपल के होते हैं बारदोली सत्र स्टार्टेड बाय सरदार पटेल और एन एरो ऑफ डार्कनेस बुक इज रिटन बाय शशि थरूर ओके ये किताब किसके द्वारा शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी केमिकल फॉर्मूला पूछा गया सोल्ट का सोडियम क्लोराइड ओके एन होता है बहुत ही आसान है और इंडिया ने कौन से देश के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया था क्रूड ऑयल को लेके तो रिसेंटली किसके साथ में यू ए के साथ में किया गया यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपसे सवाल पूछा गया स्टेट इमरजेंसी पूछे गए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया अभी दो सौ और साथ में तीन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है पहला वाला है नेशनल दूसरा वाला स्टेट तीसरा वाला फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आने वाले पेपर में आपको तीन से भी जरूर से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी से लेकर जो कि नाइनटीन में लगने वाली थी लेकिन उस टाइम पे मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ देश को लेके गए और उसके बाद में देश को फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचाया उसके बाद में संजय चोपड़ा अवार्ड पूछा गया किसको दिया गया 2016 का तो यह है अर्जन सिंह उसके बाद में फोर्टी नाइन पैरल जो कि ज्योग्राफी में अपन कई बार कवर अप कर चुके हैं ये कौन सा है बॉर्डर है बिटवीन यूएसए और कनाडा यूएसए और कनाडा के बीच में फोर्टी नाइन पैरल लाइन है उसके बाद में एक और मैच फॉलोइंग क्वेश्चन था जो कि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को लेकर पूछा गया उसके बाद में जे की फुल फॉर्म पूछी गई तो ये होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स इंसुलिन के बारे में पूछा गया इंसुलिन क्या है हार्मोन है प्रोटीन हार्मोन है ठीक है माधुरी दीक्षित कर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं गंबिट गैम्बिट जो है एक टर्म है ये कौन से स्पोर्ट के साथ में एसोसिएटेड है तो ये है चेस के साथ में माइक्रो ऑर्गन इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया जिसका आंसर था कंज्यूमर इक्लिब्रियम ओके क्वेश्चन पूछा गया टेम्पल से रिलेटेड जिसके अंदर जो एक आंसर था वो था श्रीलंका पद्मस्वामी स्वामी टेम्पल ओके okay. इसके अंदर इनकरेक्ट uh, जो आपको मैच करना था पद्मस्वामी टेम्पल कहाँ पर है केरला के अंदर है ओके okay. जहाँ से दो लाख करोड़ का गोल्ड भी निकला था काफी टाइम पहले आपको पता होगा और एक सार्क मेंबर से क्वेश्चन पूछा गया जो कि मैं आपको कई बार स्टार्टेजी के मैं रिपीट कर चुका हूं जितने भी है ऑर्गेनाइजेशन है सार्क है उसके अलावा एशियान है ओके okay, ओपेक है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसी में से एक सवाल आज आपके लिए देखने को मिला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक क्वेश्चन पूछा गया स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड साथ में सी ए डी की फुल फॉर्म पूछे गए जिसके होता है फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन साथ में पूछा गया जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हाईएस्ट किसके अंदर होती है तो ये अपन ने कुछ टाइम पहले एक या दो वीक पहले साइंस में किया था फिजिक्स के अंदर कि वैक्यूम के अंदर सबसे हाईएस्ट होती है उसके बाद में सॉलिड लिक्विड गैस ओके ये ऑर्डर होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है पूछा गया आपसे आर्टरी के बारे में इम्प्योर ब्लड जो लंग से हार्ट की तरफ लेके जाती है तो वो कौन सी पुल मेरी आर्टरीज उसके बाद में दो पूछा गया कि जेरूसलम के अंदर 500 सौ हाउसेज कौन किसने बनाए हैं तो ये इसराइल ने ही बनाए हैं ठीक है जेरूसलम कैपिटल है इसराइल की आपको ध्यान रखना है साथ में पेलेतीन और जेरूसलम दोनों ही इसराइल जेरूसलम के ऊपर क्या करते हैं दोनों अपना अपना कब्जा क्लेम करते हैं साथ में सिन, सिनामन के बारे में पूछा गया कि किस पार्ट से बनता है तो ये टी पार्ट से बनता है और उसके बाद में एक असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हालांकि मुझे इसके ऑप्शन पता नहीं है लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंगली अगर ये पूछा गया है तो इसका आंसर अटॉर्नी जनरल होना चाहिए क्योंकि वो किसी भी हर एक सभा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन उसके मेंबर नहीं होते हैं ओके okay, इसीलिए शायद ये उसी से रिलेटेड है सुंदरबन के बारे में पूछा गया सुंदरबन एक लार्जेस्ट डेल्टा है आपको पता होगा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा से मिलकर बनता है बे ऑफ बंगाल के अंदर सुंदरबन वहाँ पे नेशनल पार्क भी है ओके बायस टाइगर बायसवर रिजर्व और साथ में पूछा गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये कई बार क्वेश्चन अपन हिस्ट्री के क्लास में कवर अप कर चुके हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए हिस्ट्री और जितने भी जो वीडियोज़ है पुराने जीके क्लास के वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हें देखना ना भूले एग्जाम में जाने से पहले तो फादर ऑफ अनरेस्ट पूछे गए जो कि कौन है बाल गंगाधर तिलक ओके एक फॉरन के अंदर राइटर थे उन्होंने एक किताब लिखी थी बताया था एक जनरल के अंदर वहां पे न्यूज़पेपर है कि इंडिया के जो अनरेस्ट की जो कंडीशन के जो रेस्पॉन्सिबल है वो बाल गंगाधर तिलक है तो उन्हीं को सू करने के लिए केस करने के लिए बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए थे तो उस टाइम पे ठीक है उसके बाद में मिरर से क्वेश्चन पूछा गया एन और इन्वर्टेड इमेज कौन प्रोवाइड करता है तो बहुत ही सिंपल सा कर, सवाल था कौन के मिरर प्रोवाइड करता है ओके ये क्वेश्चन अपन कई बार कर चुके हैं मैं आपको बता चुका हूँ जो अगर आपको शेविंग जो आप शेव करते हो तो जो आपको मिरर यूज करते हैं आप बड़ा देखने के लिए तो वो कॉनके भी होता है ठीक है इससे रिलेटेड कई

टेंशन की वजह से होता है तो ये आपका सवाल था बहुत ही आसान था जो कि फिजिक्स से पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी इनफैक्ट अपन फिजिक्स क्लास में कवर अप कर चुके हैं ठीक है थीके? उसके बाद में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन किसके ओरिजिन कौन थे इलेक्ट्रॉन किसने फाइन किया था थॉमसन इसका आंसर है क्यूरी आपने पढ़ा होगा मैडम क्यूरी क्यूरी फैमिली के बा, बारे में जिसकी पूरी फैमिली को ही नोबेल अवार्ड मिले हैं साइंस के अंदर तो क्यूरी किसके रेडियम का इन्होंने इन्वेंशन किया था पेनासिले आपको पता है अलेक्जेंडर ने किया था ठीक है उसके बाद में पूछा गया मोनोपॉली ओलिगोपोली परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में आज से दो वीक पहले मैंने इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको ये सभी टर्म्स एक्सप्लेन किए थे और मैंने आपको कहा था कि इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा जो कि पूछा गया तो मोनोपॉली जब एक ही बेयर हो एक ही सेलर हो और कई सारे बेयर हो ओलिग्योपोली जब दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं सेलर होते हैं लेकिन बेयर बहुत सारे होते हैं ठीक है परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ इक्वलेंट इक्वल इक्वल होता है ठीक है जब कंपनीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और जो सैलर है वो भी कई सारे होते हैं ठीक है, है? देखिए वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आने वाले पेपर के लिए भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है दो या दो से ज़्यादा जब सैलर होते हैं और कई सारे उसके बेयर होते हैं बायर होते हैं तो कौन सी होती है ओलिगोपॉली जब एक ही सैलर होता है और कई सारे उसके बेयर होते हैं ठीक है बायर होते हैं तो वो मोनिगो mon मोनोपॉली होती है और परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ इक्वलेंट होता है उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया डांस रिलेटेड राजा रेड्डी कुचिपुड़ी से हैं ठीक है भरतनाट्यम पद्मा सुब्रमण्यम रुक्मी देवी इन सभी से रिलेटेड एक डांस रिलेटेड पूछा गया जो कि एक इंडियन क्लासिकल का स्टार्टिंग जीके का टॉपिक है ओके okay, कई बार अपन इसको कवरअप कर चुके हैं मैं आपको बता चुका हूं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको हमेशा याद रखने चाहिए जो कि इंडियन क्लासिकल से रिलेटेड है सो so फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चन थे जो कि जीके के दस तारीख के क्वेश्चन थे आज के हो सकता है इसमें से आपको जरूर से जरूर हो नहीं सकता जरूर होगा आने वाले के अंदर एक या दो क्वेश्चन वापस है कहीं ना कहीं से कोर